हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। हम 3.10 एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसके क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको करवा दिए थे। आप कर रहे हैं बेटा आगे 9th क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ रहे हैं जनरल सॉल्यूशन, जिसमें आपके 9 फॉर्मूले थे। साइन एक्स इक्वल टू 0, कोस एक्स इक्वल टू 0, टेन एक्स इक्वल टू 0 तीन थे। फिर साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई और टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई, और तीन थे फिर स्क्वेयर में। अगर हमारा फंक्शन कोट में, सिकेंट में, कोसिकेंट में आएगा तो हम उनको साइन कोस में चेंज करके सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो 9th क्वेश्चन कहता है सोल्व करना इस इक्वेशन को। 2 cos² x माइनस में 5 sin x प्लस 1 = 0। हम इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे। अब आप ये आप देख लो कि हम इसको साइन में क्वाड्रेटिक बना सकते हैं या कोस में। हम इस कोस स्क्वेयर को 1 - sin² लिख सकते हैं, लेकिन अगर इस साइन को कोस में बदलने की कोशिश करेंगे ना तो रूट आएगा। यानी कि इसको हम साइन में क्वाड्रेटिक बनाएंगे। कोस स्क्वेयर एक्स को 1 - sin² x माइनस में 5 sin x प्लस 1 = 0। तो माइनस का तो 2 sin² x माइनस में 5 sin x है, और प्लस 2 प्लस में 1 = 0। माइनस साइन कॉमन ले लिया तो 2 sin² x प्लस का हो जाएगा 5 sin x और -3 = 0। फैक्टर कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कितनी बन रही है, माइनस का 6। तो क्या टुकड़े करें बेटा, प्लस का 6 sin x माइनस में साइन एक्स माइनस में 3 = 0। यहाँ से क्या कॉमन आ गया, 2 sin x, अंदर क्या रहेगा, साइन एक्स प्लस में 3। माइनस 1 कॉमन लिया तो साइन एक्स प्लस में 3 = 0। देखो बेटा, जब 2 sin x माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो साइन एक्स की वैल्यू एक तो आएगी 1/2, और एक साइन एक्स की वैल्यू आएगी -3। माइनस 3 के बारे में हम क्या कहेंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन फंक्शन की जो रेंज होती है ना वो -1 से 1 क्लोज इंटरवल होती है, और -3 इस रेंज में लाई नहीं करता। यानी कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, इसे सोल्व करेंगे और हम 1/2 को साइन के फॉर्म में sin π/6 कह सकते हैं, और यहाँ फॉर्मा लग जाएगा साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई। क्या होता है, x इज इक्वल टू nπ प्लस -1 की पावर n इंटू में y, और y हमारा क्या है, π/6, और n हमेशा किस में बिलोंग करेगा, इंटीजर में। नेक्स्ट देखो बेटा, फिर इसी का सेकेंड पार्ट क्या कहते हैं। कोट स्क्वेयर एक्स है या अल्फा है, कोट स्क्वेयर अल्फा प्लस में 3/sin α। अगर मैं उस साइन अल्फा को ऊपर लिखूं तो कोसिकेंट अल्फा आएगा, और प्लस में 3 = 0। हम इसको भी क्वाड्रेटिक बनाएंगे, और इसको क्वाड्रेटिक बनाने की अगर हम बात करें तो हम इसको कोसिकेंट में क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, क्योंकि कोट स्क्वेयर अल्फा को कोसिकेंट स्क्वेयर अल्फा -1 लिखा जा सकता है। प्लस में हमारे पास है 3 cosec alpha प्लस 3 = 0। अब तुम ये कहो कि कोसिकेंट में तो फॉर्मूला नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले कोसिकेंट में सोल्व करके कोसिकेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद हम कोसिकेंट से इसको साइन में चेंज कर लेंगे। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई ये। अगर हम इसके फैक्टर करें तो कोसिकेंट स्क्वेयर अल्फा प्लस में 2 cosec alpha और प्लस में कोसिकेंट अल्फा प्लस 2 = क्या आएगा, 0। यहाँ से कोसिकेंट अल्फा कॉमन आ गया, ये रहेगा कोसिकेंट अल्फा प्लस में 2, प्लस में 1 कॉमन लिया तो कोसिकेंट अल्फा प्लस 2 = 0। तो कोसिकेंट अल्फा की दो वैल्यू आई, एक तो -2 और एक -1। हम इसमें से इसे साइन निकाल लेते हैं। यू बताओ, साइन अल्फा की वैल्यू एक तो -1/2 होगी और दूसरी -1 ही रहेगी। दोनों केसेस को अलग अलग सोल्व कर दो। साइन अल्फा को -1/2 के बराबर लिया, माइनस एज इट इज 1/2 को sin π/6 कह दिया, और उसके बाद हमने इस माइनस को अंदर ले लिया, और यहाँ फॉर्मा लगा दो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई का। तो क्या होगा, अल्फा इक्वल टू nπ प्लस -1 की पावर n इंटू में वाई, और वाई कौन है, -π/6। अगर हम बात करें साइन अल्फा इक्वल टू -1 की, तो -2 एज इट इज और 1 को कह सकते हैं sin π/2। अगले स्टेप में इस माइनस को भी अंदर भेज देना
और ये था sin अल्फ़ा। सेम फॉर्मूला, बस y का काम कौन करेगा, माइनस पाई बाई टू। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9th। अब देखो बेटा 10th क्वेश्चन, कहते हैं टू साइन स्क्वेयर एक्स प्लस में रूट थ्री कोस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब देखो इसमें इसका फर्स्ट और इसका सेकंड पार्ट दोनों एक जैसे हैं, मैं एक करवा रही हूँ एक आप कर लेना। हम इसको कोस में क्वाड्रेटिक बनाएंगे और आप सेकंड पार्ट के अंदर साइन में क्वाड्रेटिक बनाना। देखो साइन स्क्वेयर एक्स को वन माइनस में कोस स्क्वेयर एक्स लिख सकते हैं और प्लस में रूट थ्री कोस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो माइनस में टू कोस स्क्वेयर एक्स आएगा, प्लस में रूट थ्री कोस एक्स है और ये प्लस का टू प्लस का वन तो प्लस का थ्री इक्वल टू क्या आ गया जीरो। माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो टू कोस स्क्वेयर एक्स माइनस में रूट थ्री कोस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब हमें यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या चाहिए, माइनस का सिक्स फैक्टर कर लेते हैं, अगर फैक्टर नहीं होंगे तो अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। देखो बेटा अगर हम माइनस का टू रूट थ्री कोस एक्स में से प्लस का रूट थ्री कोस एक्स ऐड कर दें तो ये माइनस का रूट थ्री कोस एक्स बचेगा और टू रूट थ्री की मल्टीप्लाई रूट थ्री से करेंगे तो वो सिक्स आएगी और माइनस की सिक्स आ जाएगी, माइनस में थ्री इक्वल टू जीरो। यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया टू कोस एक्स तो अंदर बच गया कोस एक्स माइनस में रूट थ्री, प्लस में कॉमन ले लिया रूट थ्री तो कोस एक्स माइनस में रूट थ्री इक्वल टू जीरो। अब कोस एक्स की दो वैल्यू आ रही हैं, एक तो वैल्यू आ रही है रूट थ्री। अब इस रूट थ्री के बारे में हम कहेंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि 30 60 90 किसी पर भी हमारे कोस की वैल्यू रूट थ्री नहीं होती, या फिर यूँ कह दो आप रूट थ्री 1.7 होता है जो कोस की रेंज क्लोज इंटरवल माइनस वन से वन में बिलोंग नहीं करेगा। इसलिए ये केस तो पॉसिबल है नहीं। अगर हम दूसरा देखते हैं तो कोस एक्स की वैल्यू माइनस रूट थ्री बाई टू आएगी। अब उस माइनस को तो एज इट इज छोड़ दिया और रूट थ्री बाई टू को क्या लिख दिया, कोस पाई बाई सिक्स। अब आपको यहाँ ध्यान देना है हम सीधा सीधा इस माइनस साइन को बाहर नहीं अंदर नहीं ले सकते क्योंकि कोस नेगेटिव साइन को बाहर नहीं निकालेगा। अगर हम इसको सोल्व करते हैं ना तो पाई माइनस में सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव आ जाएगा, नो चेंज, सोल्व होके ये आएगा और इसको हम एलसीएम लेके लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, कोस फाइव पाई बाई सिक्स। और अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई का, क्या होता है एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस वाई और वाई कौन है फाइव पाई बाई सिक्स। अब इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो आप कर लेना। थर्ड सुनो, थर्ड में बेटा 10 में क्वाड्रेटिक है, सारी एक जैसे से ही है। थर्ड में हमारा 10 में क्वाड्रेटिक है, फैक्टर होते हैं तो ठीक है वरना हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे और फिर उन 9 में से कोई फॉर्मूला बनेगा। आप देख लो हमें मल्टीप्लाई क्या चाहिए, माइनस का 9, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे थ्री रूट थ्री में थ्री रूट थ्री टेन एक्स में से माइनस कर दो रूट थ्री टेन एक्स, सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे अगले पार्ट की अगर बात करें तो ऐसा क्वेश्चन भी पीछे आ गया था, ये टेन स्क्वेयर में क्वाड्रेटिक है, जिस तरह से एक्स में क्वाड्रेटिक होता है वैसे टेन स्क्वेयर में क्वाड्रेटिक है, टेन स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी और फिर उसको क्या करना है सोल्व। आप इसका पाँचवा पार्ट टिक कर लेना बेटा। देखो थ्री कोस स्क्वेयर एक्स, थ्री कोस स्क्वेयर एक्स माइनस में टू रूट थ्री साइन एक्स इंटू में कोस एक्स और माइनस में थ्री साइन स्क्वेयर एक्स इक्वल टू जीरो। ये है देखो, इसको हम ना साइन में क्वाड्रेटिक बना सकते ना कोस में, क्योंकि साइन में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो यहाँ प्रॉब्लम आएगी, यहाँ साइन की वैल्यू रूट की फॉर्म में आएगी। कोस में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो हमें यहाँ दिक्कत आएगी, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना है। हमने क्या किया, बोथ साइड कोस स्क्वेयर एक्स से डिवाइड कर दिया, लेफ्ट साइड और राइट साइड कोस स्क्वेयर एक्स से डिवाइड कर दिया। तो ये बताओ थ्री कोस स्क्वेयर को कोस स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो थ्री आएगा, माइनस में टू रूट थ्री। अब इसके नीचे जब कोस स्क्वेयर आएगा तो एक कोस तो कट जाएगा और साइन बाई कोस क्या बनेगा टेन, और माइनस में थ्री और साइन स्क्वेयर के नीचे कोस स्क्वेयर आएगा तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वेयर। अब ये किस में क्वाड्रेटिक है, टेन में, माइनस का थ्री टेन स्क्वेयर एक्स है,
माइनस का टू रूट थ्री टेंजेंट एक्स है और प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, माइनस कॉमन लेंगे तो थ्री टेन स्क्वेयर एक्स प्लस में टू रूट थ्री टेन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, इसको सोल्व करना है। ये पीछे अभी भी जस्ट बताया था वही फैक्टर बन रहे हैं, प्लस का थ्री रूट थ्री और माइनस का रूट थ्री। ठीक है बेटा, अब देखो इसका जो इलेवेंथ क्वेश्चन है, साइन एक्स माइनस में कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस टू है। ये ना साइन में क्वाड्रेटिक बन सकती है ना कोस में बन सकती है, और डायरेक्ट अगर हम बात करें तो उन नौ में से कोई भी फॉर्मूला नहीं बनाएंगी, क्योंकि फॉर्मूला आपका तभी बन रहा था जब दोनों टर्म साइन की हैं या दोनों टर्म कोस की हैं या स्क्वेयर की फॉर्म में थे दोनों साइन में, ये साइन एक्स इक्वल टू जीरो था, कोस एक्स इक्वल टू जीरो था। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हमेशा साइन का कोफिशेंट उठाया, कोफिशेंट क्या होता है इसकी मल्टीप्लाई में कॉन्स्टेंट टर्म कितना है वन, उसका स्क्वेयर कर दिया वन आएगा, प्लस में कोस का कोफिशेंट उठाया माइनस वन, उसका स्क्वेयर किया तो वो भी क्या आएगा वन। साइन और कोस के कोफिशेंट के स्क्वेयर के सम का रूट निकाल लो और उससे बोथ साइड क्या कर दो, डिवाइड कर दो। देखो बेटा जब हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो ये आएगा वन बाई रूट टू साइन एक्स माइनस में वन बाई रूट टू कोस एक्स और ये बच गया माइनस का वन। और अब हम यहाँ फॉर्मूला बनाएंगे, देखो साइन एक्स तो एज इट इज, वन बाई रूट टू को हम कोस पाई बाई फोर कह सकते हैं, माइनस में कोस एक्स एज इट इज और इस वन बाई रूट टू को साइन पाई बाई फोर कह सकते हैं और इक्वल टू माइनस वन। याद करो 3.6 का फॉर्मूला है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया इक्वल टू माइनस वन। अब इस माइनस को तो एज इट इज और वन को लिख देंगे साइन पाई बाई टू, और उससे अगले स्टेप में हम इस माइनस को भी अंदर भेज देंगे तो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, तो क्या लिखा जाएगा x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर n इंटू में y, लेकिन y का काम कौन कर रहा है, माइनस पाई बाई टू। तो आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ चारों पार्ट में ऐसे ही साइन और कोस के कोफिशेंट के स्क्वेयर से बोथ साइड डिवाइड करना है, उसके बाद हम यहाँ फॉर्मूला बनाएंगे। बाय चांस यहाँ रूट थ्री बाई टू होता तो उसको कोस की फॉर्म में क्या लिखते, कोस पाई बाई थ्री। अब इसका ना लास्ट पार्ट देखो, ये कहता है थ्री कोस एक्स माइनस में फोर साइन एक्स और इक्वल टू सेवन। देखो यहाँ पर भी हमने साइन और कोस के कोफिशेंट के स्क्वेयर से जब डिवाइड किया तो थ्री का स्क्वेयर नाइन, फोर का स्क्वेयर सिक्सटीन, तो ये आ गया फाइव। करो डिवाइड, थ्री बाई फाइव कोस एक्स माइनस फोर बाई फाइव साइन एक्स इक्वल टू सेवन बाई फाइव। जैसे इस क्वेश्चन में डिवाइड किया तो वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू को हम लिख सकते थे साइन पाई बाई फोर कोस पाई बाई फोर, लेकिन यहाँ पर हम थ्री बाई फाइव, फोर बाई फाइव या सेवन बाई फाइव है, इसको नहीं बता सकते कि साइन थर्टी सिक्सटी फोर्टी फाइव, तो क्या कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है ना, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये था बेटा आपका थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, लेंदी है थोड़ा, आपको हार्ड भी लगेगा, लेकिन बार बार रिवाइज करोगे ना तब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आगे शुरू करेंगे चैप्टर फोर्थ।